आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर रैलियों को निरस्त करने की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने ही की थी। लल्लू ने बताया है कि हमने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया है। सदस्यता अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में 40 से 50 हजार नए लोगों को जोड़ा है। लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जो भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार से लड़ सकती हैं। हम कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ताकत और नए सदस्यों व संगठन के दम पर 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार प्रदेश की करीब 6 करोड़ महिला आबादी भाजपा को उखाड़ फेंकने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। 5 साल में 18 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए जेल गए थे। कोरोना काल में 65 लाख लोगों को राशन पहुंचाया गया और 10 लाख दवाओं की किट बनवाकर सहयोग किया गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 News के साथ।